गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है व्हाट आर द दर्सन डिसकॉलीफाइड बाय लॉ तो ये जो क्वेश्चन है ये है, हमारा इको फाइव से रिलेटेड है मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ ठीक है ना तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले रहे ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो के पूरा होने के बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक शेयर करने वाला हूं एंजल ब्रोकिंग से रिलेटेड तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए उसके बाद फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट वो भी है और इस सिचुएशन में इस लॉकडाउन के सिचुएशन में जबकि इकोनॉमी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब नीचे गिर चुकी है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए तो वो आप जो सेगमेंट है वो बिल्कुल सुनिएगा ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो टॉपिक है हमारा उससे जो कि है डिस्कवालीफाइड बाई लॉ तो ऐसे पर्सन जो कि लॉ के द्वारा डिस्कवालीफाई कर दिए गए हैं कि आप इनके साथ किसी भी तरह का ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस का काम जो है आप नहीं कर सकते हो देखो हम बात कर रहे हैं मर्केंटाइल लॉ की कॉन्ट्रैक्ट की या फिर एग्रीमेंट की तो ये जो एग्रीमेंट साइन होता है दो लोगों के बीच में तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक ऑफर ही होता नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बात बताई गई थी माइनर्स की और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन की देखो माइनर्स माइनर्स मतलब जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है राइट उनके साथ अगर आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा लीगली वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा बिकॉज उसकी जो उम्र है वो कम है बच्चे की उम्र कम है बिकॉज उसकी उम्र जो है अट्ठारह से कम है तो इसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सके दूसरा व्यक्ति की बात होती है साउंड माइंड की एक व्यक्ति जिसका माइंड साउंड नहीं है मतलब सपोज उसमें लाइक पागलपन के कुछ लक्षण हैं या कोई व्यक्ति जो कि दिमागी रूप से उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जितना लोगों को होना चाहिए तो उन, उन ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उस केस में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका डिस्कवालीफाई हो जाएगा बाई लॉ ठीक है ना तो ये तो बहुत ही दो कॉमन सी चीज़ है जो कि आपने पहले भी टैक्स में पढ़ा होगा या फिर अलग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉमर्स के उसमें आपने आप, पढ़ा होगा इसमें हम बात करेंगे इन दोनों के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो वो आपका डिस्कवालीफाई हो जाएगा बाई द लॉ ठीक है चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर सो बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देर आर अदर पर्सन ठीक है तो इन दोनों को छोड़ करके माइनर्स और अनसाउंड माइंड को छोड़ करके और अनसाउंड माइंड वाले पर्सनस को छोड़ करके ऐसे बहुत सारी पर्सन्स होते हैं जिसको हम लोगों ने इनकम्पीटेंट करार दिया है कि वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते चाहे वो पार्सली हो चाहे वो होली हो किसी भी केस में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो वो आपका अवॉइड हो जाएगा मतलब लॉ के द्वारा वो इनकम्पीटेंट घोषित कर दिया जाएगा ठीक है इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस कॉर्पोरेट स्टेटस लीगल स्टेटस इट ई सी अब ये जो इनकॉम्पिटेंसी है ये कहाँ से निकल के आती है ऐसा क्यों होता है अब इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटस की बात की जा रही है मे बी पॉलिटिकली कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण से आप इन in, इनकॉम्पिटेंट uh, हो या फिर कोई कॉरपोरेट स्टेटस या फिर लीगल स्टेटस के कारण जो है आप इनकॉम्पिटेंट uh, हो जाते हो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में बात की गई है वो है एलियन इकोनॉमी सॉरी माफी जाऊँगा एलियन एन एनिमी मतलब एलियन मतलब क्या जो हमारे देश से बिलोंग नहीं करता जो हमारे जगह से बिलोंग नहीं करता उसे हमें एलियन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने टी में बहुत बार सुना होगा कि एलियन हमारे धरती पर आए थे वगैरह वगैरह इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं तो आ, जैसे कि आप आ, क्रिश का एग्जाम्पल ले लो माफी चाहूँगा क्या उसकी उसके फर्स्ट मूवी का क्या नाम था Uh, मुझे नाम नहीं याद आ रहा खैर तो उसमें जादू था राइट तो वो एलियन था क्योंकि वो हमारे जगह से बिलोंग नहीं करता था पृथ्वी से बिलोंग नहीं करता था बाहर से आया था बट यहाँ पे एलियन का मतलब है जो हमारे देश से बिलोंग नहीं करता ऐसे व्यक्ति ऐसे सिटीजन जो कि हमारे देश से बिलोंग नहीं करते फॉरन कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको हम एलियन एनिमी कहेंगे और एनिमी का मतलब होता है यहाँ पर आपका शत्रु है ना तो कोई एलियन एनिमी है कोई फॉरेन कंट्री में अगर कोई शत्रु है कोई कंपनी ऐसी कोई ऐसी कंपनी जो कि हमें अपना शत्रु मानती है उसे हम आ, एनिमी कहेंगे एलियन एनिमी कहेंगे तो एलियन एनिमी देखो यहाँ पे क्या बोली जा रही है बात एंड एलियन एनिमी इज अ पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अ फॉरिन कंट्री दस इन द इंडियन कॉन्स्टेक्ट एंड एलियन मे बी एन एलियन फ्रेंड और एन एलियन एनिमी ठीक है तो एलियन एलियन एनिमी यहाँ पे बात की जा रही है तो एलियन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं मतलब जो बाहर के सिटी है ना वो दो तरह के हो सकते हैं या फिर तो वो फ्रेंड होंगे या फिर तो शत्रु होंगे एनिमी होंगे राइट तो एलियन फ्रेंड किसे कहेंगे किसी भी फॉरेनर कंट्री जब हमारे कंट्री के साथ पीस बना करके रखती है हमारे साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखती है और हमारे साथ एक तरह से बायलैटरल ट्रेड हमारे बीच में चलता रहता है एक दूसरे के कल्चर एक दूसरे के जो जो संस्कृति है उसको वो रिस्पेक्ट करती है तो वो हमारा एलियन फ्रेंड है राइट बिकॉज वो कंट्री जो है हमारे साथ साथ मिल करके चल रही है है तो उसे हम कहेंगे। कहेंगे? अब किसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में वॉर पर रहती है जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो हमेशा ही कुछ ना कुछ हमारे बीच में लाइक गड़बड़ बनी रहती है राइट तो वो हमारे लिए एक तरीके से एलियन एनिमी की कैटेगरी में आप डाल सकते हो ठीक अगर आप चाहो तो बट हालांकि ये जरूरी नहीं है हालांकि अभी इंडिया ने एम का स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया है बट पहले आ, ऐसा नहीं था ठीक है ना तो आ, ये हम एलियन एनिमी के अंतर्गत उनको डाल सकते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द वॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द वॉर तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉर के बीच में किया गया या फिर वॉर के पहले किया गया तो उस केस में आपको जो है स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी कि आपका जो एलियन एनिमी है वो कित, कितना खतरनाक है या फिर वो कैसा है ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द वॉर माफ़ी चाहूँगा जी तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द वॉर एन एलियन कैन नीदर कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन सब्जेक्ट नॉर कैन बी यूज नॉर कैन बी सूड इन एन इंडियन कोर्ट एक्सेप्ट बाई लाइसेंस फ्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पर जो बात बोली गई वो ये है कि वॉर के सिचुएशन में आप किसी भी एलियन मतलब एनिमी के साथ या फिर एलियन किसी भी व्यक्ति मतलब चाहे वो एनिमी हो या फिर फ्रेंड हो आप उनके साथ आप क्या हो कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते राइट और अगर और आप जो है इंडिया में उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोर्ट केस भी नहीं कर

राइट right. तो किसी भी एलियन इन एनिमी मतलब जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है लाइक सिचुएशन बहुत ही खराब है हमारे साथ पाकिस्तान का वॉर कई का, का, बार हो चुका है राइट right. तो उस उस वक्त पे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर होता था या फिर उसके पहले भी अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वो सारी चीज़ें जो है बंद हो जाती थी डिजॉल्व हो, हो जाती थी या फिर तो सस्पेंड कर दी जाती थी इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जब आप गूगल पे इसको देखोगे तो ठीक है इसके आगे और नहीं करा रहा एलियन एनिमी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलियन एनिमी किसे कहते हैं और उनके साथ जो है टाइज क्यों बरकरार नहीं रहते और उनको बाई लॉ क्यों खारिज कर दिया जाता है थीके? बाकी सारी चीजें आप यहां पे तीन चार लाइनें और हैं आप चाहो तो पढ़ सकते हो आगे बढ़ते हैं बिकॉज लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज ठीक है तो फॉरन सोवरेंस एंड एंबेसडर तो फॉरन सोवरेंस एंड एंबेसडर का मतलब क्या होता है फॉरन सोवरेंस और एंबेसडर का मतलब होता है ऐसे एंबेसडर्स जो कि किसी और कंट्री का नेतृत्व तो हमारे इंडिया में कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का एंबेसडर हमारे कंट्री में है आ, आपने अमेरिकन एंबेसी का नाम सुना होगा एंबेसी हर एक कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज की एंबेसी होती है जैसे कि इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज की एंबेसी है जो कि डेली में है राइट right? तो उनके साथ अगर किसी भी तरह का हो हु, हुआ है तो वो भी जो है बाई लॉ कैंसिल किया जा सकता है ऑन वेरियसमस्टांस अब वो सर्कमस्टिस क्या क्या होंगे so, um, uh, मतलब उनको कुछ स्पेशल uh, like खातिरदारी की जाती है उनको कुछ स्पेशल पावर मिले हैं दे नॉट बी सूड इन आर कोर्ट्स अनलेस दे चूज टू सबमिट दमसेल्स टू द जोरिस्टिक्शन ऑफ आर कोर्ट्स तो उनको आप अपने देश में सू नहीं कर सकते सू करने का मतलब है आप उनके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं चला सकते आप चाह करके भी नहीं चला सकते जब तक कि वो खुद ना चाहें अगर वो ये बात मानते हैं कि वो इस कंट्री में रह रहे हैं और इस कंट्री के कानून के दायरे में आते हैं तो ही आप उनके ऊपर केस दायर कर सकते हो अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमेरिकन एम्बेसडर है और इंडिया में आकर के किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो आप उसके ऊपर किसी भी तरह का केस दायर नहीं कर सकते हो बिकॉज वो राजदूत है माफी चाहूँगा राजदूत पुराना वर्ड है वो अम्बेसडर है है ना तो उसको आप किसी भी तरह से कोर्ट में लाइक नहीं घसीट सकते दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन्फोर्स दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन आर कोर्ट्स अब वो जो है देखो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं और उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लाइक एन्फोर्स कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन इंडियन कोर्ट्स विदाउट द सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट वो लोग जो है किसी भी तरह तरह से इंडियन कोर्ट इंडियन कोर्ट के अगेंस्ट में प्रोसीड नहीं कर सकते इंडियन कोर्ट के अगेंस्ट में किसी भी तरह की कोई लीगल चीज़ कोई uh, अलग चीज़ जो है वो नहीं कर सकते विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमीशन के ठीक है ना तो ये फॉरेन सोवरस और एम्बेसडर्स को एक तरीके से छूट दी गई है और एक तरीके से उनके ऊपर एक तरह का एलियन एनिमी का जो टैग है वो भी एक तरीके से लगता है क्योंकि वो हमारे यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी करके हमारे यहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं राइट सो अद ए फोर सेड इम्यूनिटी ऑफ अ सोवरन कंट्रीन्यूज इवन इफ़ ही इफ़ ई एंगेजेज इन ट्रेड ठीक है ना तो ये जो इम्यूनिटी है वो उनको तब भी मिलती है अगर वो किसी भी तरह का ट्रेड में भी अगर इंगेज होते हैं तो बट एन एक्स किंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिवलेज एंड द कैन दस बी शूड अगेंस्ट इन आर कोर्ट्स ठीक है बट किसी भी तरह का एक्स किंग ठीक है ना किंग यहाँ पे मतलब प्रीवियस एम्बेसडर्स की बात की जा रही है एक्स एम्बैसडर्स की बात की जा रही है फिर एक्स राजनयिकों की बात की जा रही है अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का कुछ अगर आ, केसेस दर्ज होता है तो फिर आप उनको जो है कोर्ट में सू कर सकते हो बिकॉज वो उस टाइम पे अम्बेसडर नहीं होते हैं राइट right. एक्स मतलब क्या जो पहले के लोग जो जो पहले के एम्बेसडर्स थे इफ हाव एवर ए फॉरेंस सोवर इन ई टी सी एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट रिसाइडिंग इन इंडिया द एजेंट शैल शैल बी हेल्प लाइबल फॉर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट तो इस केस में अगर सपोज एक्स किंग की बात की, की गई कि की की अगर उनका मान लो इंडिया में किसी भी तरह का कोई बिजनेस है जो कि इल्लीगल है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है जो कि सही नहीं है तो वो बाई लॉ जो है वो कैंसिल हो जाएगा ठीक है और अगर आप नहीं मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आप उनको कोर्ट में केस भी कर सकते हो उनके खिलाफ बट अगर वो किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अगर वो इंडिया में लाइक like डील कर रही है अगर कुछ काम कर रही है तो फिर उनको आप डायरेक्टली हेल्ड नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आप उनको लाइक सू नहीं कर सकते आपको जो इंडियन कंपनी जो उनकी हेल्प कर रही है जो इंडियन कंपनी जो उनके साथ एक तरीके से एजेंट बन करके काम कर रही है तो आप उनके खिलाफ़ भले ही आप जो हो उनके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हो तो सोवरेन फॉरेन सोवरेन्स और एम्बेसडर्स के लिए एक तरीके से इम्यूनिटी पावर भी है और एक तरीके से उनके लिए ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि इनको जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का की जो अनुमति है वो इंडिया में बहुत आसानी से नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो किसी एजेंट के थ्रू मिलती है और इनके ऊपर जो है सबसे पहली बात तो केस नहीं चलाया चलाया जा सकता तो इनको जो है इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होने के कारण इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं दिया जाता और अगर दिया भी जाता है तो फिर किसी इंडियन एजेंट के थ्रू दिया जाता है राइट तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने वाली हैं अब देखो अगला पॉइंट है कन्विक्ट की तो ऐसे कन्विक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कंटिनुएशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट कन्विक्ट का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति अगर जेल जेल में है राइट right? तो कोई व्यक्ति अगर जेल में है किसी चीज़ में अगर उसको लाइक किसी भी तरह की सजा हुई है तो वो उस सिचुएशन में वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं कर सकता देखो क्योंकि पे लिखा हुआ है कंट्रैक्ट अकाउंट कन्विक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर वो जेल में है अगर वो इंप्रिजनमेंट में है तो वो जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है दिस इनेबिलिटी बिकम्स टू एन एंड वेन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सेंटेंस तो उसका जब जेल की अवधि खत्म हो जाएगी, जाएगी तो ही उसकी जो ये इनेबिलिटी है कि वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता वो भी खत्म हो जाएगी वो जो है अब इनेबल हो जाएगा कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएगा तो बट ड्यूरिंग द सेंटेंसिंग पीरियड वो जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता अ कन्विक्ट कैन हाव एवर एंटर इन टू और सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वैन पैरॉल और वेन ही हैज़ बिन पार्डन बाय द कोर्ट तो कोई भी कंट्रे कन्विक्ट जो है वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है या फिर किसी को सू कर सकता है अगर वो पैरोल पर लाइक जेल से बाहर हो या फिर कोर्ट के द्वारा अगर उसे माफ़ी दे दी जाए तो ठीक है ना तो फिर वो काम कर सकता है बट ड्यूरिंग जब तक कि वो जेल में है वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएगा ठीक है कंपनी अंडर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और स्टैटोरी कॉरपोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट और पार्लियामेंट सो अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट एग्जिस्ट ओनली एन कंपलेशन ऑफ लॉ कंटेम्पलेन ऑफ लॉ इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाई इट्स कॉन्स्टिट्यूशन

स्टेटरी कॉरपोरेशन इज एक्सप्रेसली डिफाइंड बाय द स्टैच्यू क्रिएटिंग इट ठीक है तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है किसी भी स्टेटरी कॉरपोरेशन की वो उसको डिफाइन किया जाता है उन सारे व्यक्तियों के द्वारा उन सारे लीगल कामों के द्वारा जिनके द्वारा उनको बनाया गया है ठीक है ना बाई स्टैचू क्रिएटिंग इट ऐसे स्टैचू जो उनको क्रिएट करते हैं स्टैचू का मतलब हो गया जो कानून है ठीक है तो जिन कानूनों के दम पे वो जो है क्रिएट किया जाता है स्टेटोरी कॉरपोरेशन को क्रिएट किया जाता है उन्हीं के द्वारा जो है उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जो है जारी की जाती है या फिर एक तरीके से निर्धारित की जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है द कॉन्ट्रेक्चअल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इट इज डिटरमाइंड बाई द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया तो कि तो किसी भी कंपनी की जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होगी वो उसको आपको अगर चेक करना है तो फिर आपको जो क्लॉज होंगे जिन क्लॉज के ऊपर उसको तैयार किया गया होगा जैसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं उसके बेसिस पे जो है आपको उसकी उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी जो है आपको पता करनी होगी ठीक है ना उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ एनी एक्ट डज इन एक्सेस ऑफ द पावर्स गिवन इन द मेमोरेंडम इज़ अल्ट्रा वायर्स एंड वॉय तो किसी भी तरह का काम अगर आप करते हो जो कि आपको जो पावर मिले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा उससे अगर अधिक आपने काम किया मतलब अधिक तरीके से आपने इलीगल काम किया क्योंकि आपने अलग तरीके से काम किया जितने पावर्स आपको मिले थे आपने उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया तो उस केस में जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने ऑटोमेटिक जो है अल्ट्रा वायर्स या फिर वॉय हो जाएगा वॉय मतलब वो लीगली जो है वो कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनीज़ को जो कि कंपनीज एक्ट के द्वारा तैयार की गई या फिर वो सारे लीगल कॉर्पोरेशंस को जिनको लीगल एक्ट के द्वारा तैयार किया गया है अब उनके पास जो भी पावर है राइट right, उनको जिस बेसिस पर तैयार किया गया वही उनके पावर्स हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बट अगर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा ये बात यहाँ पे बोली गई है राइट right, आखिरी पॉइंट यहाँ पे है इंसॉलवेंट्स का तो ऐसे इंसॉलवेंट्स ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसे नहीं है जो दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं उनके साथ आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते बिकॉज वो लीगली कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना सो वेन अ डेटर इज एडजस्टेड इन इंसॉल्वेंट जब कोई एडजस्ड इंसॉल्वेंट जब कोई डेटर है जो कि एडजस्ड इंसॉलमेंट है उसको जजिंग उसको जज कर दिया गया है कि वो जो है इंसॉलमेंट है उसका दिवालिया घोषित कर दिया गया है हिस प्रॉपर्टी स्टैंड वेस्टेड इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असिस्टेंस अपॉइंटेड बाई द कोर्ट तो ये इसकी जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से वेस्ट कर दी गई है एक तरीके से ऑफिशियल जो रिसीव करेगा या फिर जो ऑफिशियल जिसको असाइन किया गया था बाई कोर्ट के द्वारा उसी के पास उसकी जो है जो प्रॉपर्टी उसकी अथॉरिटी चली आती है ताकि वो जो है उसको सेल ऑफ करके उसके जो खर्च है वो उसको वहाँ से निकाल सके तो उसके कारण जो है चूंकि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है बाई कोर्ट तो उसके कारण जो है वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता आपने, आपने उन प्रॉपर्टीज़ के कारण जिनको सम्मिलित किया गया है उससे जो भी ड्यूज थे उसको लेने के लिए ठीक है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर हो जाना सपोज कोई कोई व्यक्ति है जो कि बिजनेस कर रहा था उसके पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो और बिजनेस कर सके तो कोर्ट क्या करेगी अगर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो कोर्ट उसको क्या करेगी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको जब्त कर लेगी और एक ऑफिशियर को ऑफिशियल को वहाँ पर नियुक्त करेगी जो कि उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके अपने पास रख लेगा और फिर उनको सेल ऑफ करके जो भी ड्यूज़ होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के वो उनको वापस करेगा राइट right. तो इस केस में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जो कि इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया गया है वो जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रॉपर्टीज़ जिनको सू किया गया है जिनको एक तरीके से वेस्ट किया गया है जिनको एक तरीके से पाबंदी लगाई गई है है ना उनके बेसिस पे वो जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और ना ही वो उसके लिए किसी को सू कर सकता है मतलब केस के कोई कोर्ट केस उसके ऊपर कर सकता है दिस हैिफिकेशन ऑफ ऑफ एन इंसॉलमेंट इज़ रिमूव्ड आफ्टर ही इज़ डिस्चार्ज अब ये जो डिसक्वालीफिकेशन है ये तभी उसका खत्म होगा जब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा मतलब जब उसको लाइक uh, like उसके ऊपर जो केसेज हैं जब उसको अपने केसेस से फारिग कर दिया जाएगा जब छोड़ दिया जाएगा तो ही वो जो है uh, अपने इस डिसक्वालिफिकेशन uh, से हट सकता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है राइट right? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको कराएं

जहाँ पे आप शेयर्स को खरीद सकते हो बेच सकते हो और अभी के सिचुएशन में जबकि लॉकडाउन का इतना बुरा सिचुएशन हमारे इंडिया में चल रहा है तो हमारे इंडिया में जितने भी सारे शेयर्स हैं जितने भी बड़े बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर हैं चाहे वो एस हो रिलायंस हो आई हो या फिर अलग अलग आयशार मोटर हो बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स हैं जो कि ब्लूचिप कंपनीज़ हैं आप उ, उ, उनके शेयर्स ख़रीद सकते हो बहुत ही कम दामों में आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही नीचे है अभी तकरीबन हर एक शेयर का प्राइस जो है वो 50 परसेंट के आसपास वो गिर गया है तो आप चाहे उ तो अभी अपने अभी अपने पैसों को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो अभी बहुत ही अच्छा समय है इसके लिए और इसके लिए जो है आपको मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कि एंजल ब्रोकिंग का होगा उसके बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही बताने की कोशिश करूँगा फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप शेयर्स की बिक्री या फिर खरीद करते हो डिलीवरी में डिलीवरी का मतलब होता है कि शेयर को अगर आप अब ले करके रख देते हो अपने पास उसको आप एक ही दिन में सेल नहीं करते देखो शेयर ट्रेडिंग दो तरीके की होती है एक डिलीवरी में जिसमें आप शेयर आज सपोज खरीद लिया फिर जब आपको मनचा आपका प्राइस मिला तब आपने उसे बेच दिया सपोज सौ रुपए में खरीदा दो सौ रुपए का प्राइस अगर आपको पर शेयर मिल रहा है तो आप उसे भी बेच दोगे तो सौ रुपए का आपको बेनिफिट हो जाएगा हर एक शेयर पर तो उस केस में अगर आप शेयर को लेकर के अपने पास रख लेते हो तो फिर वो जो है आपका डिलीवरी कहलाता है बट अगर आप शेयर को लेकर के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो मतलब आप शेयर को लेकर के सपोज सुबह में खरीदा और शाम में साढ़े तीन बजते तक जब आपको दिखा कि पचास साठ रुपए जो है आपके शेयर में बढ़ोतरी आ गई है तो फिर आपने उसे बेच दिया राइट तो उस केस में जो है आ, उसे हम इंट्राडे कहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस हैं माफी चाहूँगा इक्विटी के लिए तो कोई चार्ज है नहीं अगर आप डिलीवरी में बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा ठीक है आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है बट अगर आप ट्रेडिंग करते हो अगर आप इंट्रा में शेयर्स को सेल ऑफ़ करते हो खरीदते हो और बेचते हो तो उस केस में आपको बीस रुपये पर ऑर्डर जो है वो लगेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है एट ठीक है आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सक करके सारी जानकारी ले सकते हैं और आप अगर चाहें तो जो हम जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा आप उस उन लिंक के थ्रू अगर आप आ, एंटर करते हैं अगर आप ख़ुद को रजिस्टर वहाँ पर करते हैं तो उनकी तरफ से भी आपके पास कॉल आएगा एंजल ब्रोकिंग की तरफ से वो भी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और अगर आप चाहें तो अकाउंट आप खोल करके अभी से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो और ये इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है इंडियन इकोमी बहुत ही नीचे है तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा काम होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे क्या होगा कि जो इकोनमी है वो भी धीरे धीरे रिवाइव होगी और आपके पैसे भी जो है सही जगह पर इन्वेस्ट होंगे अगर आप बैंक में जमा रखते हैं अपने पैसे तो आपको चार से ज्यादा फायदा नहीं मिलता बट आपको यहाँ पे हंड्रेड तक का रिटर्न आ सकता है डेढ़ दो साल बाद जब आपके पैसे डबल हो जाएंगे तो फिर आपको हंड्रेड तक का रिटर्न आ जाएगा राइट तो वो आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है ना तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इंजन ब्रोकिंग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी है अगर और भी जानकारी चाहिए तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए एट के ऊपर ठीक है तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय अ नाइस डे